हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बेसन से किस तरीके से करें हम अपने त्वचा पर पड़े काले दाग धब्बे। जब पिंपल्स आ जाते हैं तो पिंपल्स के जो निशान रह जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। झाइया, पिगमेंटेशन और कालापन को कैसे दूर करें, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है और 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। आप सभी लोगों को पता है कि बेसन को सालों से हमारे सुंदरता को निखारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसन जो है हमारे स्किन को लाइटन करता है, यह हमारे स्किन की एजिंग को रोकता है और अगर पिंपल्स के बहुत ज़्यादा ज़िद्दी निशान है तो उसको भी धीरे धीरे कम करने में हेल्प करता है। हमारे स्किन को जो है जो फेशियल हेयर होते हैं उसको भी रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर ऑयली स्किन है तो ये रेमेडी परफेक्ट है आपके ऑयलीनेस को ख़त्म करने के लिए और एक्सेस ऑयल को हटाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 पिंच ऑफ टर्मरिक ली है। आप सभी लोगों को पता है कि जो ब्राइडल्स होते हैं, जो नई दुल्हन्स होते हैं, उनके लिए ये जो उपटन होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और सालों से हल्दी का और बेसन का इस्तेमाल हमारे उपटन में भी किया जा रहा है हमारे सुंदरता को निखारने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच दूध ऐड किया है, यानी मिल्क, और रॉ मिल्क हमने ऐड किया है। रॉ मिल्क से मतलब है कच्चा दूध। इतना आपको ऐड करना है कि ये फाइन पेस्ट अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। इसके अंदर हमने वीट फ्लावर मिलाया है, जो कि इसमें बहुत सारे विटामिन्स एंड न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमारे फेस को, अगर हमारा बहुत ही डार्क फेस है तो उसको लाइट करने में हेल्प करता है। छोटे छोटे दाग धब्बे निशान उसको भी रिड्यूस करता है और फाइन लाइन एजिंग को भी रोकता है। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रखी है तो ये जो फेस पैक है ये बेस्ट है। आप इसको वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। और यहाँ पर मैंने दूध को थोड़ा सा और ऐड किया है बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था। आपको एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी की रखनी है ताकि आप अच्छी तरीके से फेस पे इसको अप्लाई कर सको। ये जो फेस पैक है ये ना सिर्फ आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं बल्कि डार्कनेस की प्रॉब्लम है, काली गर्दन की प्रॉब्लम है या फिर डार्क अंडरआर्म है, हाथों पैरों पे, आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट जो है लगा के रखना है, उसके बाद जो है हल्के हाथों से स्क्रब रब करते हुए निकाल देना है और ठंडे पानी से अपने चेहरे को, हाथों को, काली गर्दन को, पैरों को अच्छी तरीके से वॉश करना है। उसके बाद कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये रेमेडी परफेक्ट है आपकी स्किन के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे और बता दूँ, अगर आपकी शादी होने वाली है तो इस फेस पैक को जो है वीक में 2 से 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। बिकॉज ये अगर आपके स्किन पे जो है टैनिंग हो रखी है या फिर दाने हैं, छोटे छोटे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। यह आपकी स्किन पर ग्लो ऐड करेगा, आपकी स्किन चमकने लगेगी, एक चमक ऐड करेगा। आप करके देखिए, उसके बाद अपने रिजल्ट जो है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। वाली आप सभी लोगों को पता है कि विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, ड्राई स्किन वालों की तो वैसे भी बैंड बजी होती है। हमारी स्किन पे पैचिनेस, ड्राइनेस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डार्क स्पॉट्स, डलनेस, सारा सब कुछ जो है आज की इस वीडियो में देखने के बाद आपकी जितनी भी सारी प्रॉब्लम सब कुछ खत्म हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बाउल ले लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे दूध के ऊपर की जो मलाई आती है वो मैंने 1 चम्मच के करीब यहाँ पे ले ली है। आप सभी लोगों को पता है कि मलाई जो होती है वो हमारी स्किन से ड्राइनेस को खत्म करती है, यूथफुल ग्लोइंग स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा जिनकी ड्राई है। वैसे तो ये रेमेडी ऑल स्किन टाइप वाले जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ड्राई स्किन वालों को मैं बोलूँगी कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई, डल सी, बेजान सी हो गई है स्किन, तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है। तो यहाँ पर जो है 1 चम्मच के करीब जो है मलाई मैंने, अगर आप दूध के ऊपर की मलाई लोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज़ जो है आप मार्केट की भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूध के ऊपर की ली है। 1 से 1.5 चम्मच ले लीजिए जितनी क्वांटिटी आपने इस्तेमाल करनी है। इस रेमेडी का इस्तेमाल अपने हाथों पे, फेस पे, पैरों पे, फुल बॉडी पे जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी टर्मरिक यानी हल्दी। ये हल्दी किचन वाली नहीं है, ये कस्तूरी हल्दी है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। कभी भी फेस के लिए, हाथों पैरों के लिए कस्तूरी हल्दी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी जो है किचन वाली हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कस्तूरी हल्दी ऑर्गेनिक होती है यह, और जो हल्दी होती है, जो टर्मरिक होती है, सालों से हमारी सुंदरता को निखारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है टर्मरिक जो है स्किन की ग्लोइंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ग्लोइंग स्किन देने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, बूस्टर्स हीलिंग, ये जो है इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यहाँ पे 1 पिंच ऑफ के करीब जो है मैंने टर्मरिक को ले लिया है।
गाइस उसके बाद एक चम्मच के करीब मैंने बेसन को ले लिया है। अच्छा गाइस, बेसन जो है टैन को रिमूव करता है, स्किन को लाइटन करता है, एजिंग एंड पिंपल्स को खत्म करता है, लाइटन करता है डार्क अंडर आर्म्स एंड नेक को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, ये रिमूव करता है फेशियल हेयर को। तो ये बहुत ही एक अमेजिंग चीज है, ये आपकी स्किन को ग्लोइंग, यूथफुल एंड ब्यूटिफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो है हाफ चम्मच के करीब जो है मैंने बेसन को ले लिया है। अगर आप जो है फुल बॉडी के लिए बना रहे हो तो उस क्वांटिटी से ले आप ले सकते हैं, फेस के लिए बना रहे हो तो ये जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हुई, फेस पे, अंडर आर्म से, डार्क नेक पे, हाथों पे, पैरों पे, फुल बॉडी पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है लेमन की कुछ कतरे मैं इसमें ऐड करूंगी। गाइस लेमन में होता है भर भर के विटामिन सी। लेमन जो है तेजी से मैल काटता है, तो लेमन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह टोमेटो जूस को भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन लेमन में होता है विटामिन सी जो आपकी स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है, इंस्टेंट ब्राइटन अप करता है, और लेमन में होती है तेजी से मैल काटने की सलाहियत। रिक्वायर्ड अमाउंट पानी के आपको चाहिए उतना पानी आपने इसमें ऐड करना है। बहुत ज्यादा जो है पतला पेस्ट नहीं बनाना है और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं बनाना है। ये सारी ही चीजों को जो है अच्छी तरीके से मिक्स करना है, मीडियम सी कंसिस्टेंसी रखना है, अच्छी तरीके से ये सारी चीजों को मिक्स करना है। गाइस ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी है, और ये आपकी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग एंड ब्यूटिफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ज्यादा आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इसको लेना है, अपने हाथों, पैरों पर, फेस पे इसको अप्लाई करना है, और 10 मिनट के लिए जो है आपने इसको ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद जो है ये जब हल्का सा ड्राई होने लगे तो हल्का सा रब करते हुए अपने हाथों और पैरों से इसको निकाल देना है, अपने फेस से जो है इसको निकाल देना है। फर्स्ट टाइम से ही जो है आप बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देख पाओगे। गाइस ट्रस्ट मी, ये रेमेडी बनाने में जितनी आसान है उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है, उतनी ही ज्यादा असरदार है, और इस विंटर में जो है किसी वरदान से कम नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर होती है तेजी से मैल काटने की सलाहियत, और ये आपकी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग एंड ब्यूटिफुल बनाने में हेल्प करता है। और जितने भी सारे इन्ग्रीडियंट मैंने आपको बताया है किचन से ही आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। सारे ही इन्ग्रीडियंट हर घर में अवेलेबल होते हैं, जो भी मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं रखा है। आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ऐसा तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोस।